रजत से कौन सी चलाएगा वो बड़े बच्चे वाली, चल देख लेंगे। वो ये भी ले ली बाबू जी, 1,08,000 वाली जोटी भी, 1,08,000 वाली जोटी ले ली आपने। शाम को भी दूध देखा था, अब सुबह फिर निकाला दोबारा, कोई फर्क निकला ना? कोई फर्क। कितना बताया था? ये 13-14 लीटर दूध था। इतना निकाल के लिए बच्चे को अलग पे है? ठीक है, वे एक जोटी इसमें भी सेल होगी है वैसे। अब 1,05,000 वाली आज वाली वीडियो में बाकी है। नमस्कार दोस्तों, खुराना डेयरी फार्म पे आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो कवर कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब के फार्म पे दो पशुधन दिखाएंगे। काफ़ी कस्टमर भी आए हुए हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। और वैसे काफ़ी संख्या में पशुधन तो अवेलेबल रहता ही है, हर समय काफ़ी पशुधन अवेलेबल रहता है। इधर भी है, पशुधन काफ़ी है। एक एक करके दोनों की डिटेल ले लेते हैं। पहले आज की डेट और टाइम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि काफ़ी भाई पुरानी वीडियो देख के फ़ोन करते रहते हैं। गूगल डेट एंड टाइम प्लीज़। ये देख सकते हैं 7:01 का टाइम है और संडे 11 मई का दिन है। आगे की डिटेल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। शनिवार है सर आज? शनिवार है क्या? चलो कोई बात नहीं, हो ही जाता है जी। तो आज दो पशुधन दिखा रहे हो? आज दो पशुधन दिखा रहे हैं जी। ठीक है जी। एक जोगिंदर भाई भी आया हुआ है। जोगिंदर भाई हुआ है आज, तो जोगिंदर ही डिटेल बताएंगे। या भाई साहब मैं कुछ नहीं बताना है आज, वीडियो वालों को जो भी डिटेल बताएंगे अच्छाई बुराई यही भाई बताएंगे आज, मैं कुछ नहीं बताना है। कौन सी बार आए भाई साहब आप? आपको पता है आज उसी बार क्या, हम तो ढाई साल से आ रहे हैं। कितने के पशु ले गए यहाँ से? पशु तो कम से कम 150 पशु ले जा लिए। कोई दिक्कत परेशानी? ना, 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 एक नंबर का सारा राजस्थान में, मतलब इतना जायज पशु और जो ईमानदारी से काम है, मतलब कहीं पे नहीं होगा। दूध जो बताना वही मिलना, आगे जाके किलो दो किलो फालतू देते हैं। ठीक है जी। और पहले एक सही बात बताना, यूट्यूब पे ग्राहक अपने देख रहे हैं, आप भी बताना जी, आप भी आए हो, पहले भी भैंस लेके गए, पहली भैंस लेके गए वो अंकल जी, मैंने कहा 16 किलो दूध देगी जोटी बिना दूए लेके गए। हाँ बिना दूए। बताओ आप ईमानदारी से भी 16 किलो दिया या घट दिया बद दिया? मेरा नहीं, 17 दिया। आज भी दे रही है 14-15 किलो दूध, 4-5 महीने की आई होगी। अच्छा, एक वो बड़ी जोटी डॉक्टर से 1,92,000 की लेके घर की, 13 किलो दूध रहता था, आज भी 3 महीने गैपन होगी। अच्छा, मैं यहाँ कितने दिनों की गैपन कह के दी? वो 20 दिन की। 20 दिन की क्या निकली वो गैपन पाई बिल्कुल। अच्छा, एक ग्राहकों को एक और बता दो, कई भाई बहुत कहते हैं जी ये बाजार छोड़ के वीडियो बनाते हैं, ईमानदारी से बताना भगवान की कसम खा के, रात की क्या टाइम की भैंसों का दूध निकला हुआ? 6:30 के पामी है, 6:30 दूध निकला। और सुबह लड़का क्या टाइम खड़ा हुआ? ये सुबह 5:00 5:00 खड़ा हुआ। उसके बाद बताओ 15 भैंसे दुई या 5:00 6:30 तो वही। आपका गाँव कौन सा है? गाँव दुलानी है, जींद के पास। ठीक है, वैसे संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट है। ठीक है चलो। अब कितनी वैसे ली है जी? अब 3 ले ली। 3 ले ली, एक मैसूर लेनी है। चलो वो भी ले लो, कोई बात नहीं जी। डॉक्टर साहब, ये जो पहले नंबर पे जोटी दिखा रहे हो, क्या डिटेल है जी? ये सर खार की कटिया है और अभी मेले पे नहीं लगी, आज इसको 12वां 13वां दिन हुआ है जी ब्याई को, और अपने फार्म पे कल आई थी, अभी इसके नीचे 14 किलो दूध रेडी है जी। 14 लीटर दूध है जो निकाल के खरीद सकते हैं। देख सकते हैं पसमाओ की बहुत अच्छी है सर, सफाई देख सकते हैं जोटी की, हर तरफ से पूरी साफ है। आज तो इतना प्यारा है जी, इतना प्यारा है, बहुत ही अच्छी जोटी है। दवाई दुई की बड़ी है, दवाई दुई की 100 नंबर है जी। और हाइट भी देख सकते हैं जोटी की, हाइट वाली जोटी है, अडरथन की पूरी साफ है। आज 14 लीटर दूध है जो निकाल के खरीद सकते हैं। मेले पे लगे के बाद 16 किलो दूध देगी गारंटी के बाद। और रेट कितना का जिसका? इसको 1,08,000 रुपए में 500 किलोमीटर के दायरे में पहुंच करवानी है सर। देख सकते हैं साफ सुथरी जोटी है पूरी, ब्रीड वाइज भी और भी, और रेट भी बिल्कुल वाजिब है। पीछे ये कटड़ा है? कटड़ा नहीं है सर, साइज कटड़ी है ना। चलो कटड़ा कटड़ी जो भी है कोई बात नहीं, हम व्यापारी लोग हैं जो कटड़ा कटड़ी देते हैं सर, वीडियो में कोई भाई कंफ्यूज ना हो, कटड़ी है सर। पीछे ये फीमेल का कटड़ी है, पूरी साफ सुथरी जोटी है, और रेट है जो इसका 1,08,000 रुपए घर पहुंच तक का, 2 टाइम 3 टाइम आप अपना आज 14 लीटर दूध है जो नाप तोल के खरीद सकते हैं। पूरे खिड़ने वाली जोटी है जी, और देख सकते हैं पिट्ठे पुट्ठे की बनावट, हर तरफ से परफेक्ट एंगल की जोटी है, रेट बिल्कुल वाजिब है 1,08,000 रुपए घर पहुंच तक का, 2 टाइम 3 टाइम आप अपनी अच्छी तरह संतुष्टि कर सकते हैं। पूरी साफ जोटी है, हाइट की लंबाई की सींग शिंगार की बांधो थनों की और की हर जगह से बनावट बहुत अच्छी है जी इसकी, और खुली लेफ्टी की जोटी है पूरी बढ़िया, आगे से पीछे का आर्डर है। डॉक्टर साहब, ये जो दूसरे नंबर पे भैंस दिखा रहे हो, क्या डिटेल है जी? ये सर सेकंड बार की है, कोई भाई थर्ड माने तो भी कोई अपने वो बात नहीं है, 17 किलो भैंस ने दूध देना है, रात की ताजा भी आई हुई है, जेर जूर बिल्कुल फ्रेश गिर दी जी इसने।
ठीक है जी। और कल की ब्याई है जी? कल शाम को ब्याई थी ये लगभग 5 बजे, और रात इसने 8 बजे जहर डाल दी। बच्चे को बढ़िया तरह की इसको पिला दिया जी। पीछे इसके कटड़ा है जी, देख सकते हैं, पूरी साफ सुथरी है। सेकंड बार की बता रहे हैं, चाहे कोई भाई थर्ड बार की मान ले, थर्ड बार में भी जो मानेगा उसकी माननी पड़ेगी। अपने कहने से क्या है, जेन्युइन सेकंड बार। अर्थन इतना बढ़िया लगा हुआ है जी, जर्सी HF गाय के मिलेगा, भैंसों में खासकर ऐसा अर्थ देखने को बहुत ही कम मिलता है जी। और रेट कितना क्या जी? रेट बहुत ही रीजनेबल है जी। भैंस 1,20,000 रुपए की, लेकिन अपने जो सेल कर रहे हैं 1,05,000 रुपए पे कर रहे हैं। 1,05,000 रुपए पूरी अपने राजस्थान की किसी की वीडियो देख लेना, ऐसी भैंसों को लोग 1.25 लाख रुपए मांग लेते हैं जी, लेकिन अपने 1,05,000 रुपए में घर पे पहुंच कर रहे हैं जी। 1,05,000 रुपए घर पहुंच तक का रेट है। दो टाइम बच्चा ले ले साथ में, बड़े दो टाइम तीन टाइम अपना खीस है जो निकाल के खरीद सकते हैं। और है सेकंड बार की, कोई भाई थर्ड बार की मान ले ना, कोई ये थर्ड बार में बुढ़ी हो रही है ना सेकंड बार में जवान हो रही है ज्यादा। चुवाई पसमाओ बहुत ज्यादा बढ़िया लगा हुआ है जी। 100 में से 1 भैंस के नीचे लगा होता है वो चुवाई पसमाओ है जी भैंस का। ठीक है जी। और रेट है 1,05,000? 1,05,000 रुपए सर रेट है। ठीक है जी। बाकी सभी भाइयों का वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।